हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम बैग के लिए कुछ भी मटेरियल यूज करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं। आज मैं इसी तरह के ब्लाउज पीस से एक बंधनवार बनाना सिखाऊंगी और इसमें एक बहुत ही प्यारा सा हम एडिशन करेंगे जिससे ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप एंड तक देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने एक पैटर्न तैयार कर लिया कि मुझे कितने मेजरमेंट से कैसे कैसे पीसेस काटने हैं। तो ये जो ऊपर की हमारी पट्टी है, वो पट्टी हमारी इस तरह से मैंने पहले बकरम पे काट ली, जो कि 36 इंचेस बाय 2.5 इंच। अब ये जो 2.5 इंच मैंने लिया है, तो ये जो बॉर्डर है हमारा वो मुझे पूरा चाहिए था, इसलिए मैंने वो 2.5 इंच की ली और ये 36 इंचेस टोटल मेरा हो रहा था। तो 38 इंचेस की मैंने कपड़े की पट्टी काट ली और पहले मैंने इस तरह से बकरम की पट्टी काट ली और ये बकरम की पट्टी को मैंने बॉर्डर पे इस तरह से प्रेस करके, आयरनिंग करके चिपका लिया और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस भी काट लिया ताकि ये जब सिलते वक्त हमें इसमें आसानी हो जाए। और हमारे बंधनवार के जो नीचे के पीसेस है, जो कागज का ये हिस्सा है, इतने मेजरमेंट का मैंने बकरम काट लिया इस तरह से और उसे जो हमारा ब्लाउज पीस का सीधा हिस्सा है उसे अंदर की तरफ इस तरह से चिपका दिया। इस तरह से मैंने 7 पीसेस तैयार कर लिए। और कपड़े को काटते वक्त जो हमारा बकरम है उसे मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़ा काट लिया। अब मैं यहाँ पे मल्टी कलर ले रही हूँ, आप चाहे तो एक ही कपड़े का पीस ले सकते हैं। और उसी तरह से इस तरह से मैंने लाइनिंग का पीस ले लिया, जो पतला सा अस्तर का पीस है, और इसे अंदर से मैंने पेपर कैनवास चिपकाया है। ये देखिए, पेपर कैनवास पतला सा होता है और बकरम जितना थिक नहीं होता, पर इसे चिपकाने से ये जो हमारा क्लॉथ है वो थोड़ा स्टिफ बन जाता है और सिलने में आसानी हो जाती है और साइड से रेशे नहीं निकलते, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज पीस के बहुत रेशे निकलते हैं इस तरह से। तो इसके लिए मैंने जो लाइनिंग का पीस है उसे ज्यादा मेजरमेंट का, मतलब ये जो बाहर कपड़े के हिसाब से हमने काटा है उस हिसाब से काट के फिर पेपर कैनवास पे चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पीस लेना है और एक लाइनिंग का पीस लेके दोनों की सीधी साइड एक साथ रखनी है और जहां पे हमारा बकरम चिपकाया है तो स्टिच हमें यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, यहां पे हम उसे खुला छोड़ेंगे ताकि हम उसे सीधा कर सके। और इसी तरह से बाकी के जो 6 पीस है वो हमें तैयार करके लेने हैं। इस तरह से हमारे 7 पीस हमने तैयार कर लिए, ये देखिए इस तरह से। और अब हम ऊपर का जो हमारा पीस है उसे तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पट्टी काट ली है और उसे बकरम जोड़ लिया है। और अब ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसका और इसका दोनों साइड्स हम एक साथ रखेंगे इस तरह से। और यहाँ की नीचे की साइड जहां पे मैंने ज्यादा कपड़ा रखा है वहां की साइड हम ओपन रखेंगे और यहां से पूरा, यहां से और यहां तक हम स्टिच करेंगे। और जब ये साइड हम सीएंगे तो यहां पे हम लूप्स लगाएंगे। और इसके लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टियां तैयार की है दो, और इस तरह से हम उसे डालेंगे और यहां पे सिल देंगे। और यहां पे बीचों बीच हम रखेंगे इसे जोड़ते वक्त और यहाँ पे सिल देंगे।
हम पहले सिर्फ ऊपर की तरफ की दाब सिलाई करेंगे। और अब ये जो हमारी पट्टी है उसका हमें सेंटर का मार्किंग करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सेंटर की मार्किंग है इस तरह से, और ये जो हमारा हिस्सा है वो मैं यहाँ पे नीचे रखूंगी और सिर्फ ऊपर के हिस्से पे हमें इस तरह से उसे पिन करके लेना है। पहले इसे हम स्टिच नहीं करेंगे, नहीं तो दो दो हमारी स्टिचेस हो जाएगी, और जहां तक बकरम है वहां तक ही हमें इसे जोड़ना है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे इस तरह से पिन करके रखूंगी। तो सिर्फ अब यहां से 1 इंच इस तरफ और यहां से 1 इंच उस तरफ हम मार्किंग करेंगे। और आगे के जो हमारे दो पीस है वो एक ही कलर के दो पीस, एक इस तरफ और एक इस तरफ, हमें उसे जोड़ना है, मतलब सेट करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये कॉर्नर एक ही लाइन में आए और नीचे ना हो पाए। और अब यहां से 1 इंच छोड़ के और यहां से 1 इंच छोड़ के, और ये इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई करके उसे जोड़ देंगे। तो हमें एक साथ ये ऊपर का लेयर और लाइनिंग का लेयर भी उसके साथ जोड़ना है। यहां से यहां तक हमारा 4 इंच का मेजरमेंट रहना चाहिए और हर दो पीस के बीच में 1-1 इंच का मेजरमेंट हमें रखना है। इस तरह से हमने हर एक पीस इक्वल मेजरमेंट्स लेके अच्छे से इस हमारे पट्टी को बीच वाली जोड़ दिया है। और अब यहाँ पे जो बीच में गैप है वहां पे हम इस तरह की कुछ, मैंने एक बीड्स की लटकन तैयार की है जो हम इसे बीच में एक एक जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे घुंघरू लगाए हैं और पर्ल्स, और यहाँ पे इसे हम हाथ सिलाई करके जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पे बीच में हमने इस तरह से लटकन्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम उसे टैसल्स सिल देंगे हाथ सिलाई करके। इस तरह से हर एक पीस पे मैंने टैसल्स हाथ सिलाई करके जोड़ दिए हैं। अब ये जो हमारे हिस्से हैं वो बहुत ही खाली खाली लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज जोड़ूंगी उसे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैं नथ जोड़ूंगी, सिल दूंगी हाथ सिलाई करके। ये जो नथ है ये हमारे महाराष्ट्रियंस में बहुत ही स्पेशल जेवर है, और हम हर त्योहार पे, हमारे हर शादी ब्याह में हम ये पहनते हैं। तो इस तरह से मैं हर एक पीस पे एक एक करके इस तरह से ये नथ यहाँ पे हाथ सिलाई करके जोड़ दूंगी। इस तरह से हर पीस पे हमने नथ लगा दी है और ये हमारा बंधनवार बनके तैयार है। तो ये अगर आप लगाएंगे दरवाजे पे तो वो इस तरह से दिखेगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।